हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं चंद्रकांत आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूं जो इसमें मैं फिजिक्स के क्वेश्चन कवर करूंगा। जो भी बंदे एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, JKSSB की, SSC की, NDA या CDS की, उनके लिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं पिछले पेपरों में और आगे वाले पेपरों में भी पूछने की इनकी पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो में मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है। पहली स्टेटमेंट क्या है, लाइट ट्रेवल विद द स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड, कि जो हमारी लाइट है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज जाती है। दूसरी है लाइट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तीसरी है लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। चौथी है लाइट इज ए वेव मोशन। अगर मैं इन चारों स्टेटमेंट को देखता हूँ तो ये चारों की चारों स्टेटमेंट किसके रिलेटेड है, लाइट के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है, लाइट के। अगर आपको लाइट की प्रॉपर्टीज पता है तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल पहला ऑप्शन है लाइट की जो स्पीड है वो साउंड से ज़्यादा होती है, बिल्कुल ज़्यादा होती है। सेकंड क्या है, लाइट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। भाई ऐसा नहीं होता, लाइट जो होती है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। क्यों, क्योंकि लाइट ट्रांसवर्स वेव है और उसे चलने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता। लाइट की जगह अगर साउंड वेव होती तो साउंड वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि उसको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बिल्कुल सही बात है। लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लास्ट क्या था इसका, कि लाइट इज ए वेव मोशन। बिल्कुल मैंने अभी बताया, ट्रांसवर्स वेव है तो वेव की मोशन को तो फॉलो करेगी। तो ऑप्शन क्या है इसका, बी। यहाँ पे लिखा हो लाइट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम द कलर हैविंग द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ इज, कि जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विजिबल स्पेक्ट्रम होता क्या है। सिंपल सी बात है, जब सूरज की जो लाइट आ रही होती है, वाइट लाइट, जब उसे हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। जिसे हम क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। अब उस विजिबल स्पेक्ट्रम में इसने पूछा है कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक है, वेवगाइड याद रखना है। क्या याद रखना है, वेवगाइड। ये 7 कलर की आपकी क्या होती है, वो वाइट लाइट बनी हुई होती है। वी वायलेट के लिए है, आई इंडिगो के लिए है, वी ब्लू के लिए है, जी ग्रीन के लिए है, वाई येलो के लिए, ओ ऑरेंज के लिए, आर रेड के लिए। और सिंपल सी ट्रिक है, जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज। और अगर मैं इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज। फ्रिक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज। वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज। वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ को लैम्डा के साथ हम डिनोट करते हैं, वो क्या होगी, इंक्रीज। फ्रिक्वेंसी को म्यू के साथ डिनोट करते हैं तो वो क्या होगी, डिक्रीज। ठीक, सबसे ऊपर कौन सा कलर आ गया, वायलेट। तो वायलेट की अगर वेवलेंथ की बात करूं तो सबसे क्या होगी, कम होगी। तो सबसे नीचे कौन है, रेड। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी हुई, तो यहाँ से आप जान सकते हो कि ऊपर वाला जो होगा उसकी जो वेवलेंथ होगी सबसे क्या होगी, कम होगी। तो सबसे वेवलेंथ कम किसकी है, वायलेट कलर की। तो क्या आंसर आ गया, वायलेट। ठीक है, डी पार्ट इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन को उन्होंने लिखा होता कि सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है, तो आपका ऑप्शन क्या होता, लॉन्गेस्ट में सबसे ज़्यादा किसकी होती, रेड की। किसकी होती लॉन्गेस्ट में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, रेड की। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेपरेशन ऑफ वाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड। मैंने अभी बताया कि यहाँ पे क्या होता है, अगर आप प्रिज्म रखो, इधर एक स्क्रीन रखो, जब वाइट लाइट पास करेगी तो ये क्या होगी, 7 कलर्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इन कलर को हम क्या बोलते हैं, कि ये क्या है, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है। क्या है, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, जो ये वाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो गई, डिस्पर्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, या रेडिएशन बोलते हैं। भाई रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो अपना पाथ क्या करती है, थोड़ा सा चेंज करती है। रिफ्लेक्शन क्या होती है, एक मीडियम में आके टकराती है और उसी मीडियम में लाइट वापस चली जाती है। रेडिएशन क्या होती है, जो सूरज हमें किरने भेज रहा है जहाँ, और मटीरियल जो रेज अमिट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेडिएशन। तो पीछे क्या बचा, डिस्पर्शन। क्या बचा, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब ही होता है जब वाइट लाइट को हम 7 कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्शन। तो क्या ऑप्शन हो गया आंसर इसका, ए पार्ट, डिस्पर्शन इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की।
विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय साउंड वेव इन एयर। देखो साउंड वेव जो है वो क्या है, साउंड वेव है जो वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो साउंड वेव शो नहीं करती, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। दोस्तों ये तीनों प्रॉपर्टी हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव भी शो करती हैं, ट्रांसवर्स वेव भी शो करती है, लेकिन जो ये पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी है ये सिर्फ कौन शो करता है, ट्रांसवर्स वेव। कौन शो करता है, ट्रांसवर्स वेव। अब मैंने आपको बता दिया कि साउंड जो है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ये पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैट्स कैन ए सर्टन डिस्टेंसेस, डायरेक्शंस, नेचर एंड साइज ऑफ ऑब्स्टेकल एट नाइट, दिस इज पॉसिबल बाय रिफ्लेक्शन ऑफ एमिटेड। देखिए मैं सिंपल सा बताता हूँ आपको, कोई भी बैट चमगादड़ होता है वो क्या इमिट करता है, अल्ट्रासोनिक वेव। क्या इमिट करता है, अल्ट्रासोनिक वेव। जब वो अल्ट्रासोनिक वेव सामने जाके किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, रिफ्लेक्ट होके वापस उसको रिसीव करता है वो चमगादड़। तो चमगादड़ को पता चल जाता है कि आगे कोई ऐसी चीज़ है जिसे वो पार नहीं कर सकता, इसलिए वो रात को भी उसके चलने में कोई भी परेशानी नहीं होती। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सिंपल फर्स्ट पार्ट, अल्ट्रासोनिक वेव फ्रॉम बैट। बैट कौन सी रेडिएशन जो होती है, वेव होती है, वो छोड़ता है अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। इसकी वजह से ही वो रात को भी क्या कर सकता है, आसानी से कहीं पर भी आ जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्वांटा मे बी डिस्क्राइब्ड बाय, ठीक है, लाइट का जो पैकेट है क्वांटा है उसको क्या बोलते हैं, उसको फोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। दोस्तों अगर मैं तीनों की बात करूं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो ये तो एटम में होते हैं, ये किस में होते हैं, एटम में, तो इनका लाइट के साथ कोई लिंक ही नहीं है, तो बचा पीछे कौन, एक ही, कौन बचा, फोटॉन। ऑप्शन क्या आ गया इसका, आंसर क्या आ गया, फोटॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, द मेन पावर सप्लाई इन इंडिया इज 220 वोल्ट, मतलब इंडिया के अंदर जड़ी सप्लाई है कि ना इलेक्ट्रिसिटी की, वो किन्नी है, 220 वोल्ट, सारे की पता है, ठीक है, और सारे के घर 220 वोल्ट सप्लाई होती है, ठीक है। वो गल लग गया कि कई के घर सप्लाई पुजते 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 क्यों होती है, घटी जाती है, लेकिन अमरीका चोरी सप्लाई किन्नी है, 110 वोल्ट, किन्नी सप्लाई है, 110 वोल्ट। हूँ तुम्हें दसना कि इन्हें जी चार ऑप्शन है, इन कि ऑप्शन है वो ये रिगार्डिंग है सही है। पहला, 110 वोल्ट इज सेफर बट मोर एक्सपेंसिव टू मेंटेन, ठीक है, क्या खड़ा कि 110 वोल्ट के है सेफ है, ठीक है, और के है मेंटेन करने वास्ते सी इदे पर ज़्यादा खर्चा होता। फिर क्या खा, 110 वोल्ट इज सेफर एंड चीपर टू मेंटेन, ये सेफ है और के है चीप है मेंटेन करने वास्ते। दूआ क्या खड़ा, 110 वोल्ट लीड टू लोअर पावर लॉस। त्रीए चौथा क्या था, 110 वोल्ट वर्क बैटर एट हाई अल्टीट्यूड। तो सिंपल है, इन कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, त्रोने चा जोड़ा पहले नंबर वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि 110 वोल्ट बिल्कुल की है सेफर लाइट है, ठीक है। अगर तुम्हें करंट पो तो ज़्यादा चांस नहीं होता डैथ होने का, ठीक है, लेकिन इसी मेनटेन करना की है बड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो इंडिया इन्नी पापूलेशन है, ठीक, इन्ना एरिया है, तो इसी मेनटेन करने वास्ता बड़ा ज़्यादा खर्चा आंदा है, उसकी वजह करना है इंडिया जी वोल्टेज है वो किन्नी रखी दी है, 220 वोल्ट, किन्नी रखी 220 वोल्ट, ताकि ये उपर मेनटेन करने का खर्चा जोड़ा वो क्या वै घट आवे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जन्ने, आखदा कि रजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 10 ओम, ठीक है, इफ़ इट इज स्ट्रेच 10 टाइम द रजिस्टेंस विल बी। सिंपल है कि अगर तो के कर दो एक वायर की क्या कर दो 10 टाइम क्या कर दो खिंची उड़ दो, तो उसका एरिया कितना घटी जाता, उसका एरिया 1/100 टाइम घटी जाना, क्योंकि जो तुम देखो रजिस्टेंस वो क्या बराबर होता, लेंथ अपान एरिया, क्या बराबर होता, लेंथ अपान एरिया, लेंथ बधाई जी 10, तो एरिया कितना बढ़िया 1/100, 100 के उपर ले जाओ तो कि 10 मल्टीप्लाई किया तो बनी जाना 1000, तो के तुम्हारे को ऑप्शन आई आंसर 1000, ठीक है। अगैया किलोवाट हावर इज ए यूनिट ऑफ, कहता यूनिट है किलोवाट हावर, किलोवाट आवर है भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट, जो तुम्हें घर मीटर लगे होंगे ने वो इे मेजर कर देना है कि तुम्हारे को किन्नी इलेक्ट्रिक एनर्जी जी तुम के करा दो अपने घर यूज़ करा दो, ठीक है। तो क्या आई गया तुम्हारे को ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने,
इफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए टिपिकल सब्सटेंस सडनली ड्रॉप टू जीरो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर सैमी कंडक्टर कंडक्टर इंसुलेटर कंडक्टर तो पहला गया है इंसुलेटर होता जो करंट ही पास नहीं करा सैमी कंडक्टर क्या थोड़ा जहा करंट पास करता तो भाई इतना ही है लास्ट सुपर कंडक्टर वो कंडक्टर होंगे ने जिंद अंदर रजिस्टेंस के होगा जीरो ही आ तो इतों इे चीज़ है कि कुछ का अगर रजिस्टेंस के होगा जीरो ही आ तो बनी सुपर कंडक्टर के बनी सुपर कंडक्टर। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखने द मटीरियल यूज फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन अलॉय ऑफ टिन एंड लैड दिस अलॉय शुड बी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट लो रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट लो रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट। दोस्तों इहदा आंसर तुसीं देना भी कमेंट में ठीक है मैं ये आंसर नहीं सुनाना। लास्ट क्वेश्चन एक और देखने नैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर एक अगर कंडक्टर कोई वो करंट ज़्यादा जिस तार है तार को तार के अंदर के ज़्यादा करंट ज़्यादा है तो वो क्यों होनी पॉजिटिव होनी नैगेटिव होनी जीरो होनी या पॉजिटिव तो नैगेटिव हो सकता ठीक है कि नैट चार्ज जो पर होना पॉजिटिव होना नैगेटिव होना जीरो होना या पॉजिटिव भी हो सकता नैगेटिव भी हो सकता हूँ तुम दोनों भी क्वेश्चन के आंसर जोड़े ने वह कह देने कमेंट बॉक्स देने ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो लाइक करो अगर वीडियो लाइक करोगे तो फिर नैक्सट वीडियो बनाने का भी बंदा मन करता थोड़ा ठीक है तो शेयर करो कि जेडे भी एग्जाम वगैरह दे देने वो एक वीडियो दिखी सकन ठीक है ओके थैंक यू।